गाइस, आई एम रिता, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्लू कलर का जेल आईलाइनर बनाना बताऊंगी। अगर आप भी शौकीन हैं अलग अलग कलर के आईलाइनर लगाने के, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चाहिए सिर्फ तीन चीज़ें, एक ये छोटा कंटेनर, एक वैसलीन, ये वेसोगेयर का वैसलीन है, इमामी का, आप कोई दूसरा वैसलीन ले सकते हैं जो नॉर्मल वाला आता है वो भी, और एक आपके पास होना चाहिए आई शेडो पैलेट। सी, तो यहाँ पे मैं ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें थ्री ब्लू शेड्स हैं, मैं ये वाला डार्क ब्लू वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ, और ये वैसोकेयर इसका वैसोकेयर यूज़ करने वाली हूँ, वैसलीन, और ये सिर्फ इन दो चीज़ों को यूज़ करके हम इसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं ये वाला जो शेड है, ये वाला शेड मैं ले लूँगी। इसको हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे, और आप इसी मेथड से आप किसी भी कलर का आईलाइनर बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुराना आई शेडो पैलेट है, इवन ब्रोकन भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी अगर ब्लू कलर उसमें अवेलेबल है, बचा हुआ है, तो आप उसका ब्लू कलर निकाल के भी इसको बना सकते हैं। तो इतना सा आपको काफ़ी होगा, क्योंकि हम पहले बहुत ही कम बनाने वाले हैं। सो एंड अब हम लेंगे इमामी का ये वैसोकेयर वैसलीन, कोई दूसरा वैसलीन भी ले सकते हैं, लेकिन बस इतना सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही कम लेना है आपको। और इसको इसके साथ आपको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि कंटेनर बड़ा है और ये मैं कम बना रही हूँ आईलाइनर। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो हल्का सा और ले सकते हैं आप, बहुत ही कम सा, लेकिन पहले किनारे पे लगाएंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरीके से लेके इसको मिक्स कर लेंगे, ये लग जाएगा शायद उतना। और गाइस, ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ख़रीदना नहीं है शुरू में, ट्रायल बेस पे आपको देखना है कि जो आईलाइनर है हमारा अब मिक्स होके अच्छे से रेडी हो गया है। मैंने बहुत कम बनाया है, ज़्यादा नहीं है, और अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी एक ब्रश की हेल्प से। अगर आपको इसी तरह किसी दूसरे कलर का भी बनाना है, लाइक रेड, येलो, ये कॉपर या फिर ग्रीन, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसका मैं आपको पिगमेंटेशन दिखाती हूँ कि कैसा है। आपने इसका पिगमेंटेशन देखा, और इतने स्मूथली अप्लाई हो जाता है। आप इसको स्मोकी आई, अगर आपको स्मोकी आई का कोई लुक करना है, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यूज़ करना है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्मूथ है लगाने में, काफ़ी इजी है, बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह के किसी आई शेडो, जो हम आईलाइनर, ये आईलाइनर लिप लाइनर ब्रश है, इसकी हेल्प से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।